क्या कर रही हो आप नीचे? इधर ऊपर उठो, इधर देखो क्या हो रहा है। काशान, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो भाई आज तो गली में ना हमारे छोटे जो वो हैं काशान और वानिया दोनों घूम रहे हैं, क्योंकि यार दो मुर्गे हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं जो आप लोगों को पता है, नीचे पड़े हैं सेटअप पे। तो वो भाई को मैं बोल देता हूँ कि उनको खोल दिया करें गली में, और मैं छत पर आ जाता हूँ तो मैं उनको यहाँ से देखता रहता हूँ। अभी तो खैर भाई खड़े हैं बच्चों को लेके, पर मैं भी देखता रहता हूँ, मैं दिखाऊँ कहाँ है। ये देखो भाई, अरे कहाँ गए, दोनों गए भाई? वो उस तरफ चले गए होंगे, मैं वहाँ से दिखाता हूँ शायद। वो देखें दोस्तों, वो रहे, वो दीवार के पीछे छुपा हुआ था, वो देखें, ये घूम रहा है ब्राउन वाला, और काले वाला इधर दीवार से टेक लिया हुआ, तो मुझे आवाज़ ही नहीं हो रहे थे, मैंने बोला पता नहीं कहाँ चले गए। तो यार ये देखें, मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर, हमारी काली मुर्गी ने अंडा दिया हुआ है, जो कि है एक हवाई अंडा, जिसे हम खाने वाला नहीं बोल सकते वाला अंडा। तो चलो भाई अंडा दे दो आप अपना, ओए ओए तोड़ मत देना भाई। तो ये ने भाई आ गया हमारे पास इसका एक और अंडा हवाई। और दोस्तों सुबह जो है मैं वो इस मुर्गी का अंडा लेकर गया हूँ, इसने भी दिया हुआ था, तो माशाल्लाह हमारी मुर्गियों ने अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यार इनका खाना मैं ले आया था दोस्तों, पर काटा नहीं है मैंने क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, पर अब मैं काटता हूँ और फिर इनको यार डालते हैं जल्दी से। तो ये लो भाई, हमारा यार आज़ाद कबूतर का खाना लेने गया था मैं, और यार तुमने पिंजरे की हालत क्या बना दी है, देखने दोस्तों। ये सुबह मैं सारा साफ करके जाता हूँ और ये ना शाम तक ऐसा कर देगा, जब पता नहीं कितना काम करता है ये, देखे ना इतना सारा गंदा कर देता है यार। पिजन जो है ना, ये हमारा आज़ाद कबूतर, इसका दोस्तों मेरे से खौफ ही नहीं निकल रहा है, देखें वो मार रहा भाई, मार रहा इतनी तेज। वो क्या हो गया भाई, मैं यार खाना पीना डालता हूँ, ये अभी तक मुझसे हिल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है इसको। तो यार ये आज़ाद कबूतर जो है ना बहुत ज़्यादा डरता है। खैर ठीक है ठीक है ठीक है भाई, तुम सेट रहो। तो यार दोस्तों इसका इलाज तो मैं कर रहा था, पर ये सेट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा यार, और इसको छोड़ हम सकते नहीं है, कोई भी चीज़ इसको मार देगी यार। ज़मीन पे छोड़ा तो बिल्ली मार देगी, हवा में ही उड़ा तो चील बिल कुछ भी पकड़ लेगी। खैर उड़ तो ये पाएगा ही नहीं क्योंकि गिर जाता थोड़ी सी उड़ान भर के, लकवा एकदम इसकी गर्दन में, जो वो हल्का फुल्का काम बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ना ये गिर जाता है नीचे। तो अब क्या करें यार, आप मुझे बताओ इसको हम क्या करें यार, ये बड़ी मुश्किल में यार। देखो खैर से ये अल्लाह का शुक्र है कि यार अभी तक ये दाना पानी कर रहा है, जब तक इसकी ज़िंदगी है भाई हमारे पास रहेगा। और बाकी यार इसको जल्दी यहाँ से नहीं ज़्यादा हम दिलाएंगे, क्योंकि जब मैं अपना पिजन सेटअप बनाऊंगा ना, मैं कब से बोलते हुए आ रहा हूँ यार, पर मैं बना नहीं पा रहा। तो यार दोस्तों एक दो काम में फंसा हुआ हूँ, और अब रबी अव्वल भी आ गई है, तो जैसे ही रबी अव्वल जाती है उसके बाद मैं अपने सारे काम करता हूँ, और एक सरप्राइज़ भी तुम लोगों को मैंने देना है उस साइड पे, जो हमारा मैं दिखाता हूँ तुम लोग। तो यार ये जगह है वो जिधर हम एक सरप्राइज़ चीज़ बनाने वाले हैं, बनाने क्या यार अभी से बता दूंगा ना, मज़ा नहीं आएगा तुम लोगों को, सच बताऊँ ना। तो खैर से एक सरप्राइज़ है तुम लोगों के लिए, तो मेरे साथ रहो और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से चैनल को, ताकि तुम लोग यार वो सरप्राइज़ देख सको। एक नहीं दो दो सरप्राइज़ हैं तो जो हमने बनाने हैं, उसके बाद हमने और भी चीज़ें लानी है यार, तो जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो ये लो भाई हमारे ब्लैक लकी पिजन, ये लो तुम्हारा दाना, हाँ खाओ खाओ खाओ, चलो 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 जल्दी से खाओ। तो यार मैंने जो अपना ब्लैक पिजन है ना लकी, इसको यार मैंने दोस्तों पिंजरे में ही खिलाता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि यार जब से वो हमारे कबूतर उड़ा ना, उसके बाद से मुझे ना एहतियात करनी पड़ रही है, और एक दिल में डर हो गया यार कि ये भी कहीं ना उड़ जाए। खैर से यार ये टीम है माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, ये डरता भी नहीं है मुझसे, पर फिर भी यार एक एहतियात लाजमी है। और जो दोस्तों दूसरा है ना देखो, वो बिल्कुल भी नहीं आता मेरे पास, वो देखो डर रहा है यार वो, और ये भी इसकी वजह से ना कभी कभार मुझसे डर जाता है। ब्लैक पिजन जो है वो भागता है ना, तो ये समझता है कि मैं पकड़ने आ रहा हूँ, तो इसका मैं चाह रहा हूँ डर निकालूँ और बाहर अब जब ही खोल सकता हूँ इसको, जब हम पिजन का सेटअप करेंगे भाई। तो फिलहाल भाई हम अपने ब्लैक पिजन को इस तरीके से खिलाता हूँ मैं, और 20 से 25 मिनट लेता है यार ये खाने में ऐसे। खैर अगर इसको हिलाना है टेम करना है तो मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे यहाँ बैठना पड़ता है। तो यार अब जो है ना दोस्तों, हम जो है सुल्तान का ये निकालेंगे और इसको दाना डालना है। तो यार तुम लोगों ने मुझे कभी भी नहीं देखा होगा कि मैं इसको दाना कैसे डालता हूँ, और ना मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाया है कि सुल्तान को मैं किस तरीके से दाना डालता हूँ। तो खैर से भाई पहले मुझे इसका प्याला निकालना पड़ता है, किस तरीके से निकालता हूँ ये भी मैं आज तुम लोगों को दिखाता हूँ, और कैसे डालता हूँ ये भी दिखाता हूँ। बट भाई अक्सर ये होता है कि मैं इसको डाल रहा होता हूँ ना, जब ये अक्सर बाहर भी आ जाता है मैं भाग जाता हूँ भाई, क्योंकि यार ये अचानक कूद के ना हमला कर देता है। तो खैर से भाई तुम लोग की ऐसे मैं आज ये जिम्मा उठा रहा हूँ, और आज इसको दिखा रहा हूँ तुम लोगों के कैसे ये मेरे पे हमला भी कर सकता है, और इस तरीके से कि मैं कैसे इसको भाई खाना डालता हूँ। तो तुम लोग देखो मेरे साथ और दुआ करना कि यार ये कुछ करे नहीं। तो यार मैंने उठा लिया दोस्तों ये डंडा, इसके जरिए मैं निकालता हूँ इसका प्याला और फिर इसको डालता हूँ दाना। तो चले यार करते हैं अब, और इसको डालते हैं दाना।
यार। वो कैसे भूल गया तुम लोग यार। बच गया यार दोस्तों, किंग भी खुला हुआ है और सुल्तान बाहर कूद गया यार। बच गया यार ये किंग जानो, वरना इन दोनों की बड़ी गंदी लड़ाई हो जाती। बार बार बच गया यार कसम से। अब मैं इसको वहां डालूं कैसे यार, ये मुझ पे हमला करेगा फिर बाद में, बड़ी मुश्किल होती है यार। तो यार मैंने जो है वो सुल्तान और किंग दोनों को ही बंद कर दिया भाई। शुक्र है यार ये लड़े नहीं, बहुत किस्मत से बच गए किंग माने, वरना ये अच्छा खासा लड़ जाता है। सुल्तान का जो वो है ना माइंडसेट, वो फुल अपनी मुर्गी की तरफ था, इस वजह से ना सुल्तान ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना मैं सुल्तान को जानता हूँ, सुल्तान इसके पास ज़रूर जाता और बड़ा गंदे किस्म का लड़ता। बाद में तुम लोगों ने देखा यार, मैं हाथ अचानक इसलिए नहीं डाल रहा था कि सुल्तान कहीं मेरा हाथ ना पकड़ ले, क्योंकि यार ये बड़ा गंदा काटता है। और अभी मैंने इसको बंद भी कर दिया भाई साफ बात, और दाना जो है मैं इनको अंदर डाल दूंगा भाई। किंग जो है उसने खा लिया था अच्छा खासा, उसको तो पूरा हो गया। आ जाओ भाई तुम दोनों जुड़मा भाई, आ जाओ जल्दी, अड़े खुल जाओ यार। यार दोस्तों इन दोनों का ना नाम हमने आज तक रखा ही नहीं है, जबकि कब से हमारे पास यार ये पड़े हुए हैं, पर अभी तक हमने इनका नाम ही नहीं रखा। तो मैंने यार इनका नाम सोचा है, दोनों भाई आए थे एक साथ, तो मैंने बोला इनका नाम करण अर्जुन रख देते हैं। कौन करण है कौन अर्जुन है, तो ये आप लोगों पे फैसला छोड़ा भाई। करण इसको करना है, अर्जुन इसको करना है, या करण इसको करना है अर्जुन इसको करना है, ये आप लोग देख लीजिए। जिसका नाम जो समझ आना मुझे बता देना, अपन डन कर देंगे भाई उनके वो नाम, ठीक है। देख लो इनको करीब से, माशाल्लाह दोनों भाई अब साथ खाने लग गए यार। पहले काले वाला ना इस पर कब्जा कर लेता था खाने पर, पर भाई अब खाने लग गए। क्या हो गया भाई, किंग ना गुस्से में आ गया, ये देखें किंग का मुंह देखें, किंग गुस्से में आ गया। किंग बोल रहा तुमने मुझे लड़ने क्यों नहीं दिया सुल्तान से, वो इसीलिए भाई कि तुम्हारे जो है वो खुर बड़े हैं और इसके इतने बड़े बड़े खुर हैं, तो यार तुमने मार देता ना सुल्तान को तो यार हमारे लिए मसला हो जाता। सुल्तान बहुत अच्छा मुर्गा है हमारा और हम उसको ज़ाया नहीं करना चाहते भाई, और लड़ाना है वैसे ही नहीं है भाई, हम साफ बात, लड़ाना गुनाह है और बहुत गलत बात है यार। आज जो है ना दोस्तों भला भला की गर्मी है यार, यकीन जानो कोई सूरज वूरज तो नहीं है, पर हवा जो है ना बेनता है यार, हवा भी चल रही है हल्की फुल्की, पर एक अजीब सी गर्मी है। मतलब हवा भी है उसके अंदर, ही देखें हवा तो चल रही है पर उसमें हवा ही है कि पसीने आ रहे हैं, ये देखें बहुत ज़्यादा है यार। तो बस क्या करें यार, फिलहाल यार टाइगर और लाइगर खा रहे हैं, ये दोनों जल्दी से खा लें फिर इनको मैं बंद करता हूँ। और बाकी जो है हमने सबको खिलाफ लगे फारिग कर दिया है, और तुम लोगों को भाई मैंने दिखा भी दिया भाई हमारे सुल्तान को कि किस तरीके से मुझे इसको हैंडल करना पड़ता है, बहुत खतरनाक है भाई। लेकिन यार अभी ये ठंडा हो गया है जब से इसके साथ हमने मुर्गी छोड़ी है ना। ओए नहीं भाई, फौरन हाथ दे के ये चौकन्ना हो जाता है मेरा। खैर से दोस्तों इस वजह से यार मैं इन सारों को ना एक साथ नहीं खोल पाता, तो हम इंशाल्लाह जल्द ये कोशिश करने में लगा पड़ा हूँ। मैं किसी दिन हमदा की छुट्टी हो ना तो उसको बोलूँ कि यार मेरे साथ सारे साथ खुलवाओ, ताकि मैं देख लूँ कि कौन कौन किससे लड़ रहा है, फिर हम उनको आदत डालेंगे कि वो एक साथ जो हैं रहें, और फिर सुकून से ना खाना पीना आराम से हो जाता है जब सारे साथ खुलते हैं ना, तो उनको बहुत सुकून हो जाता है खिलाने पिलाने में, तो इस वजह से मैं करना चाह रहा हूँ। और फिर हम अपने पिजन्स भी खोलना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं चल कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। जल्दी जल्दी खाओ यार, जल्दी जल्दी खाओ, चलो चलो चलो, ये क्या मुँह का हाल बनाया हुआ तुमने अपने।